नमस्कार, मैं हूं नितिन शर्मा। आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ न्यूज। कांग्रेस के सारे नेता होली मनाने में व्यस्त थे, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में भूचाल ला दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली वाले दिन कांग्रेस पार्टी से दे दिया इस्तीफा और उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के 22 विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं राज्यपाल को। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। होली के दिन कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्या दिया, मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। साथ ही कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। दरअसल खबर है कि सिंधिया के साथ साथ 22 अन्य विधायकों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया। सूत्रों की माने तो इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद लिया। सिंधिया ने मोदी से मुलाकात के बाद ही अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजने के साथ साथ सोशल मीडिया में भी जारी कर दिया। हालांकि कमलनाथ ने दावा किया है कि फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी। इधर कमलनाथ के दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने विधायकों को अज्ञात स्थान पर ले गई है। अब सवाल उठता है कि करीब 17 साल एक पार्टी पर अपना जीवन खपाने वाले सिंधिया ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। आइए आपको बताते हैं। ज्योतिरादित्य व कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद की वजह से तकरार, अहम मंत्रालय को लेकर विवाद, लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद विवाद, सिंधिया कोटे के मंत्रियों की अनदेखी, सिंधिया के मामलों की कम सुनवाई, ग्वालियर लोकसभा सीट का विवाद। इसके साथ ही खबरों की माने तो सिंधिया कांग्रेस में होती अपनी अनदेखी से बेहद नाराज थे, लिहाजा उन्होंने बीते एक साल में राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन राहुल गांधी समय नहीं दे सके। इसके अलावा सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में दिग्विजय सिंह अड़ंगा बने हुए थे, जिसका नतीजा यह था कि प्रदेश की सियासत में बार बार इन दोनों बड़े नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और बीजेपी का दामन वो थामने वाले हैं। सिंधिया खेमे के विधायकों ने भी राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ की सरकार का गिरना लगभग तय है। राजनीति की इस भूचाल में आगे क्या होगा, मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे क्या होगा, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए स्टोरी हाउ न्यूज। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।